और खबर विकास नगर से, पेट्रोल पंप वाले और दुकानदार 2000 रुपए का नोट लेने से कर रहे मना, लोगों को करना पड़ रहा भारी दिक्कतों का सामना। संवाददाता अनिल दुबे की रिपोर्ट। जहां RBI ने 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करने के लिए समय दिया है, वहीं अब आम जनता 2000 का नोट लेकर भटक रही है। बताते चले कि पेट्रोल पंप वाले और कई दुकानदार 2000 का नोट नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विकास नगर के कुछ युवा अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पहुंचे, तो पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारियों ने 2000 रुपए का नोट लेने से साफ इनकार कर दिया, जिससे जनता में काफी परेशानियां देखी जा रही हैं और लोग 2000 का नोट लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं पेट्रोल पंप पे गया हूँ, उन्होंने कहा कि अगर 1000 या 1500 का तेल गिराओगे, जब हम 2000 का नोट लेंगे, 200 रुपए के लिए नोट नहीं चलेगा। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? पता नहीं क्यों कहा है। तो आप कितने का नोट ले गए थे? 2000 रुपए का नोट ले गया था। कौन कौन से पेट्रोल पंप पे गए थे आप? एक अनिल पेट्रोल पंप पे गया था, दो रसोई में वहाँ पे गया। तीनों पेट्रोल पंप वाले ने मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने आपको? 2000 का नोट लेंगे। फिर बस फिर मैं आ गया। ठीक है, आपका नाम? ये मेरा भाई जो है पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने गया था 200 रुपए का, तो पेट्रोल पंप वालों ने मना कर दिया कि 2000 रुपए का नोट हम लेंगे नहीं। मना क्यों करा उन्होंने? ये कह रहे कि सरकार ने मना कर दिया है कि 2000 का नोट जो है ये चले चलत में नहीं है। अच्छा, जब अगर ये 2000 का नोट चलत में नहीं है तो मोदी सरकार ने ये नोट चलाया है, जब चलाया तो बंद क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन बताएं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार को कहना चाहता है कि जो आम पब्लिक है वो परेशान हो रही है, हद से ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि उनके डिसीजन बार बार गलत हो रहे हैं। या तो 2000 का नोट चलाते हैं ना, अब चलाया तो इसको चलन पे रखें, और अगर चलन पे नहीं रख रहे हैं तो फिर आम पब्लिक के बीच में ये नोट भेजना नहीं चाहिए था। आपका नाम? मैं अरविंद साहब। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।